बच्चे कक्षा 5 के आज मैं आपको एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। अध्याय का नाम है ईदगाह। ईदगाह क्या है, ईद कैसे मनाया जाता है। ईद मुसलमानों का एक पर्व है जो 30 दिनों तक रोजा मनाने के बाद 30 दिन उपवास रखते हैं और जिसे रोजा कहा जाता है। रोजा मनाने के बाद 30वें दिन के बाद ईद का पर्व मनाया जाता है। तो ईद का दिन था, गांव में चहल पहल थी, सारे बच्चे ईदगाह पर जाने के लिए तैयार थे। रमजान पूरा खत्म हो चुका था 30 दिन का। चारों तरफ हरियाली थी, रौनक थी, आसमान पर लालिमा छाई थी, शीतल मंद हवा था। सभी एक दूसरे की ईद की बधाई देने को तैयारी कर रहे थे। गांव के बच्चे सभी तैयार थे कि ईदगाह का मेला देखने जाएंगे। सभी के पास पैसे थे, कोई गिन रहा था 2 पैसे, 4 पैसे, 8 आने, 10 पैसे, 15 पैसे। कोई खिलौने खरीदने का प्रोग्राम बना रहा था, कोई मिठाइयाँ। इसी तरह हमीद के पिता का नाम था आबिद। हमीद के पिता मर चुके थे और उसकी दादी थी अमीना। दादी उसका पालन पोषण कर रही थी। गरीब था। आज उसकी दादी थोड़ी दुखी थी कि उसके पिता होते तो उसे ईदगाह घुमाने ले जाते, किंतु वह अभी जाए तो कैसे जाए। वह चली जाएगी तो यहाँ सेवैया कौन बनाएगा। फिर भी हमीद खुश था। वह अभी जाने की तैयारी कर रहा था। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, पुरानी धुरानी टोपी थी, पांव में जूते भी नहीं थे। अतः वह फिर भी जाने के लिए तैयारी कर रहा था। जाने लगा। जब जाने लगा तो हमीद की दादी उसे किसी तरह 3 पैसे दी और कही कि तुम मेले में जाकर खा पी लेना। अमीना का दिल तो कचोट रहा था कि वह अकेला जा रहा है, कैसे मेले में कहीं हेरा नहीं जाए, खो नहीं जाए। उसे डर था। वह जूते भी नहीं पहना है, इतने दूर पैदल चलेगा, 3 कोस पैदल चलेगा तो कहीं छाले नहीं पड़ जाए। उसे चिंता थी। फिर वह उसे पैसे दी और कहे कि जाओ और मेले में जाकर घूमकर कुछ खा लेना। सभी बच्चों के साथ वह जा रहा था मेले। चलते चलते वह ईदगाह के पास पहुंचा। वहां ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्ष थे, वृक्ष के छाया था, नीचे पक्का फर्श था, जाजिम बिछा हुआ था। सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे, कोई झुककर, कोई खड़ा होकर बार बार नमाज पढ़ रहे थे। नमाज खत्म हुई, सब आपस में एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे की बधाई दिए। मिठाई खिलौने की दुकान पर सारे बच्चे दौड़ पड़े। हमीद भी चल पड़ा, उसके पास 3 पैसे थे। कोई मोहसिन भिस्ती खरीदता है, नूरे वकील खरीदती है, मोहम्मद सिपाही खरीदता है। सभी कोई ना कोई खिलौने खरीदने लगते हैं। फिर खिलौने के बाद मिठाई की ओर दौड़ते हैं और हमीद भी चाहता है कि वह कुछ खरीदे। सब कुछ देखकर उसकी भी लालच होती है, पर 3 पैसे है। वह उन 3 पैसों को व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहता। वह मिठाई की दुकान पर जाता है, रबड़ी, गुलाब जामुन, तरह तरह की मिठाइयाँ, सोहन हलवा इत्यादि। उसके जी ललच जाते, 3 पैसे थे, वह कुछ ले कर नहीं खाता। फिर उसके बाद वह आगे बढ़ता है तो पहले खिलौने की दुकान, फिर मिठाई की दुकान। उसके बाद आगे वह बढ़ता है तो लोहे की दुकान दिखाई दी, जिसमें तरह तरह के घरेलू सामान इत्यादि भी बेचे जा रहे थे। वहां एक उसने चिमटा देखा। तो चिमटा देखते ही उसे ख्याल आया कि ओह, यह चिमटा अच्छा है, मैं दादी के लिए ले लूं। दादी जब रोटी बनाती है, तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाती है, अतः यदि चिमटा ले लूंगा तो दादी प्रसन्न होगी और उन्हें रोटियां सेकते समय, उतारते समय हाथ नहीं जलेगा। अतः वह सब कुछ कुछ खाता नहीं है, खिलौने नहीं लेता है और दादी का ख्याल करके वह चिमटा ले कर चल देता है। दुकानदार से पूछता है कि भाई इसका दाम कितना है, तो चिमटे वाले उसका 6 पैसा बताता है। यह सुनकर पहले तो उसका मन
गिर जाता है, बैठ जाता है कि इसके पास 3 पैसे है, फिर भी वो बोलता है ठीक है 3 पैसों में दोगे तो दो। दुकानदार पहले ना करता है किंतु बाद में उसे बुलाकर 3 पैसे में वह चिमटा दे देता है। वह चिमटे लेकर चल पड़ता है और कभी वह कंधे पर रखता है मानो बंदूक है, कभी शान से अकड़कर अपने मित्रों को दिखाता है कि वह खिलौने की तरह काम करेगा। सभी मित्र उसे हंसते हैं, कहते हैं कि क्या पगले हो, चिमटा लेकर क्या क्या कर रहे हो, लेकिन वह किसी की बातों को ख्याल नहीं करता और वह अपने घर की ओर चल पड़ता है। शाम के समय अमीना उसकी दादी उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़कर बाहर आती है, उसे गोद में उठा लेती है और सहसा उसके हाथों में चिमटा देखती है और देखकर चौंक जाती है, पूछती है कि कहाँ से चिमटा लाए। तो उसने बोला मैंने खरीदा है, मोल लिया है। अमीना पूछती है कितने पैसे में लिए हो, तो वह कहता है 3 पैसे में। अमीना की छाती पीट लेती है, उसे क्रोध भी आता है और कहती है दोपहर हो गया तुमने कुछ खाया खाया तक नहीं, तुमने चिमटा ले लिया। उसे क्रोध आता है तो फिर वह पूछती है तुमने यह क्यों लिया, तो बोलती है दादी तुम जब खान जब रोटियां पकाती हो तो तावे से रोटियां उतारते समय आपकी उंगली जल जाती है, अतः इस ख्याल से मैंने यह ले लिया। यह बात सुनकर अमीना का हृदय दया से भर गया, उसके क्रोध शांत हो गए, जो क्रोध था स्नेह में बदल गया। वह मुख स्नेह खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना सद्भाव, इतना विवेक देखकर वह छक पड़ गई और फिर वह ख्याल कही कि इस इतने अवस्थे में भी कुछ ना खाकर वह मेरा ही ख्याल रखता है, मिठाई भी खा सकता था, खिलौने भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मेरा ही ध्यान रखा। बूढ़ी दादी की याद बनी रही, अमीना गदगद हो गई और उनके आंखों से आंसू निकल आई। वह हमीद को अपने गोद में सीने से चिपका ली और उसे खूब दुआ देती रही। बड़े बड़े आंखों से बूंदे गिर रहे थे पर वह अपने अमीत को दुआएं दे रही थी। तो बच्चे जैसा समय रहता है मनुष्य को उसी तरह चलना पड़ता है, और जिस प्रकार बच्चा समझदार था हर बच्चा इसी तरह अपने परिवार के कष्टों को समझे, माता पिता के कष्टों को समझे, तो माता पिता और